यार यार सब धोखा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एलवी यादव और कीर्ति मेहरा दोनों ही अपने इंटरव्यूज के अंदर एक दूसरे को इनडायरेक्ट वे में रिप्लाई पर रिप्लाई किए जा रहे हैं। एंड गाइस, एलवी यादव ने अपने कल वाले इंटरव्यू के अंदर भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें की थी, बट अपने रिलेशनशिप के बारे में खुल के ना तो एलवी यादव ने बताया, ना ही कीर्ति मेहरा ने बताया है। और ये दोनों अभी तक कितने सारे इंटरव्यूज कर चुके हैं, लेकिन दोनों में से किसी का भी रिलेशनशिप के ऊपर क्लियरली रिप्लाई नहीं आया है। तो यहाँ पर कीर्ति मेहरा ने फिर से एलवी यादव को लेकर इनडायरेक्ट वे में रिप्लाई किया है। एंड आप लोगों को पता होगा, कीर्ति मेहरा ने अपने YouTube पर 5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद कहा था कि मैं Q&A वीडियो लेकर आऊंगी, और कीर्ति ने अपनी Q&A वीडियो अपलोड भी कर दी थी, लेकिन किसी वजह से उनको अपनी Q&A वीडियो YouTube से हटानी पड़ी। तो उसी Q&A वीडियो में कीर्ति मेहरा से सवाल किया गया कि अपने बॉयफ्रेंड का नाम बता दो, कीर्ति मेहरा ने किसका नाम बताया और किस तरह से रिएक्ट किया, आप खुद सुनिए। प्रतिष्ठा तो मैं उसका नाम खुले आम बताऊंगी, पर उसको कुछ एक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी डिजर्व करती हूँ, और जो मेरे साथ होगा वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर आगे ऐसा कुछ हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसके पास ऐसा कुछ एक नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो नो प्लान्स फॉर बॉयफ्रेंड एंड फॉर शादी, नो प्लान। यार यार सब धोखा है, पैसा कमा लो, मौका है। कीर्ति मेहरा का कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट भी आउट हुआ था, जहाँ पर उनसे पूछा गया था कि आपको बिग बॉस कंटेस्टेंट के अंदर फीमेल कंटेस्टेंट कौन सी अच्छी लगती है। वहाँ पर कीर्ति मेहरा ने आशिका भाटिया का नाम लेते हुए कहा था कि आशिका भाटिया मुझे ज्यादा अच्छी लगती है और ज्यादा मैच्योर लगती है। तो यहाँ पर आशिका भाटिया का भी कीर्ति मेहरा के ऊपर रिप्लाई आ चुका है, आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा कीर्ति के बारे में। क्यों मैंने क्या किया? थैंक यू सो मच कीर्ति, आई डोंट नो मैंने ऐसा क्या किया जो आपको स्वीट लगी हूँ, बट थैंक यू फॉर, आई अप्रिशिएट इट। बाकी गाइस, आप लोग आशिका भाटी और कीर्ति मेहरा के बारे में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, आज के लिए बस इतना ही अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट का। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।